कॉस्टार किंग ने बॉलीवुड के दरवाजे पर मजबूत से दस्तक दी है। अपनी पहली ही फिल्म से दमदार एक्टिंग करने वाले टाइगर श्रॉफ ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में खुद की एक खास जगह बना ली है। उनके पास वो सब कुछ है जो एक एक्टर को बॉलीवुड दुनिया में सफल होने के लिए चाहिए। उनके पास अपने पिता जैकी श्रॉफ का साथ है, वे गुड लुकिंग भी हैं और उनके पास फिट बॉडी भी है, और उनके मार्शल आर्ट और डांस का तो हर कोई दीवाना है। लड़कियाँ उन पर जान छिड़कती हैं और यंगर्स उनकी तरह बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने करियर के 3 से 4 सालों में ही स्टारडम्स को अचीव कर लिया है। उन्होंने अब तक जितनी भी फिल्में की हैं, उनमें से अधिक फिल्में तो सुपर हिट हुई हैं। वे स्टार किंग जरूर है, लेकिन आज उन्होंने जो भी मुकाम हासिल किए वो खुद के बलबूते पर किया है। इस वीडियो में हम आपको टाइगर के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ। टाइगर बॉलीवुड के सबसे मंजे हुए एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। उनकी माँ का नाम आयशा दत्त श्रॉफ है, जो खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं। टाइगर श्रॉफ फिल्मों में एक साथ कई गुंडों की धुनाई कर सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें अपनी माँ से बहुत डर लगता है। टाइगर की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है कृष्णा श्रॉफ। टाइगर का रियल नेम जय हेमंत श्रॉफ है। बचपन में वह लोगों को काटते और खरोंचते थे, इसलिए उनके पिता जैकी ने उनका नाम टाइगर रख दिया। टाइगर के लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट वो है जब 1990 में जैकी श्रॉफ को परिंदा मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, तो स्टेज पर अवार्ड रिसीव करने के लिए वो टाइगर को भी गोद में लेकर के आए। जैकी श्रॉफ हमेशा से टाइगर को अपना लकी चार्म मानते हैं। चाहे टाइगर उस अवार्ड सेरेमनी के दौरान 1 साल के भी नहीं थे, लेकिन टाइगर इस मोमेंट को अपनी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट मानते हैं। टाइगर श्रॉफ को बचपन से ही अपने पापा जैकी श्रॉफ से काफी लगाव रहा। जब वे छोटे थे तो कभी भी अपने पापा के बगैर नहीं सोते थे। जैकी दादा भले इंडिया में कहीं भी शूट कर रहे हों, लेकिन उन्हें टाइगर को सुलाने के लिए घर पर आना ही पड़ता था। वे रात को फ्लाइट लेकर के मुंबई आते थे और सुबह फ्लाइट लेकर के वापस शूटिंग के लिए चले जाते थे। हम सभी के चहेते टाइगर आज भले ही बेहद सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन बचपन में वे बड़े शरारती थे। वे लोगों की सीट पर चिंगम चिपका देते थे जो उनकी पीठ पर चिपक जाती थी। टाइगर श्रॉफ ने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में अपनी स्कूलिंग पूरी की। 12th पास करने के बाद टाइगर ने एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। टाइगर श्रॉफ ने कभी भी बचपन में यह नहीं सोचा था कि वे बड़े होकर एक्टर बनेंगे। उनकी रुचि स्पोर्ट्स और डांसिंग में काफी ज्यादा थी। वे क्लास छोड़कर खेलने भाग जाते थे। उस समय उनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल हुआ करता था। टाइगर बचपन में एंटर्स ड्रैगन मूवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे और उसके ऐसे सीन देखकर टाइगर ने मार्शल आर्ट सीखने का मन बना लिया था। उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। टाइगर ने टाइकोंडो में 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट को भी हासिल किया है, और 5th डिग्री की ब्लैक बेल्ट होना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और बात करें अगर उनकी डांस इंस्पिरेशन की, और टाइगर हमेशा से ही माइकल जैक्सन और ऋतिक रोशन से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर रहे। टाइगर का ड्रीम है कि वो एक बार ऋतिक के साथ फिल्म में नजर आए। सन 2009 में टाइगर को टीवी शो फौजी में लीड रोल के लिए ऑफर आया, लेकिन वे अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविजन से नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस रोल को ठुकरा दिया। इसके बाद 2010 में सुभाष घई ने टाइगर श्रॉफ को उनके पिता की फिल्म हीरो की रिमेक का ऑफर दिया, लेकिन टाइगर ने इस प्रोजेक्ट में भी खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वे एक ऐसी फिल्म चाहते थे जिसमें वह अपने डांस और स्टंट को अच्छे से शो कर सके। अच्छी बॉडी बिल्डिंग की वजह से यंगर्स की पसंद बन चुके टाइगर श्रॉफ अपनी बॉडी और हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। वे कई घंटे जिम में बिता देते हैं। उन्होंने धूम 3 के दौरान आमिर को उनकी बॉडी बनाने में काफी ज्यादा मदद की, और इस दौरान टाइगर और आमिर में काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। सन 2012 में टाइगर की जिंदगी में बड़ा जबरदस्त टर्निंग प्वाइंट आया। डायरेक्टर शब्बीर खान ने उन्होंने पहली डेब्यू फिल्म हीरोपंती का ऑफर दिया। सन 2014 में टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती का ट्रेलर रिलीज किया गया, तो फिल्म से ज्यादा लोग उनके लुक्स के बारे में बात करने लगे। उन्हें सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। टाइगर बताते हैं कि ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था, क्योंकि उन्हें लगा कि ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन फिल्म रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट रही। फिल्म की सफलता के बाद लोगों का नजरिया भी टाइगर के लिए बदल गया, और आज उनका फैन बेस किसी भी एक्टर से कम नहीं है। हीरोपंती
क्रांति के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म डेब्यू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद सन 2016 में टाइगर श्रॉफ की एक्शन ड्रामा फिल्म बागी में नजर आए। इस फिल्म में उनकी को स्टार श्रद्धा कपूर रही। इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई फ्लाइंग जेट, जिसे रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म के लिए टाइगर ने काफी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन जब ये फिल्म नहीं चली तो टाइगर काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए। पूरे एक महीने के डिप्रेशन के बाद उन्होंने मुन्ना माइकल शूट की, लेकिन उनकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। लगातार दो फ्लॉप फिल्मों के कारण टाइगर हताश जरूर हुए, लेकिन सन 2018 में बागी 2 ने टाइगर को फिर एक बार एक सफल एक्टर साबित कर दिया। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, फिलहाल टाइगर श्रॉफ ईशा पटानी के साथ रिलेशन में है, लेकिन एक समय था जब वे श्रद्धा कपूर से प्यार करते थे। श्रद्धा उनकी बचपन की दोस्त है और वह क्लासमेट भी रह चुके हैं। टाइगर काफी ज्यादा धार्मिक भी हैं और वो शिवजी के बड़े भक्त हैं। वे हर सोमवार को व्रत भी रखते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।